नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जिले में आगमन होने जा रहा है। प्रयागराज पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और थोड़ी देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लूकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पे बने 76 फ्लैट है जिनकी चाबी जो है वो गरीबों को सौंपेंगे मुख्यमंत्री। और माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई है जमीन, भूमि कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के आवास बने हैं। और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ये फ्लैट्स बनाए गए हैं, 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। 768 करोड़ रुपए की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। 107.71 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 660.5 करोड़ की 197 योजनाओं का शिलान्यास होगा। योजनाओं में महाकुंभ 2025 की भी योजनाएं शामिल है। तो फ्लैटों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और सीएम योगी 20 लाभार्थियों से सीधे संवाद करने वाले हैं। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि 7.5 लाख जो है इसकी कीमत बताई जा रही है फ्लैटों की, जिसमें से आधी उनके सब्सिडी में जाएगी और आधी उनको देना होगा। और आज मुख्यमंत्री चाबी सौंपेंगे। बता दें भूमि कब्जा मुक्त कराकर माफिया अतीक अहमद से ये भूमि जो है उसको मुक्त कराकर उसके कब्जे में थी, और 2020 में जो यहाँ पे जमींदोज किया गया, और बता दें कि मुक्त कराया गया इसके बाद से आधारशिला रखी गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, और तेजी से काम शुरू हो चुका है। अब आज जो है चाबी सौंपेंगे तमाम गरीबों को मुख्यमंत्री। बता दें कि अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 76 फ्लैट ऐसे हैं जिनका लाभ जो है लाभार्थियों को मिलने जा रहा है। चाबी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज। बड़ा कार्यक्रम प्रयागराज में आयोजित किया गया है। प्रेस मैदान में मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं, और आज जो चाबी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शोएब, अब से कुछ ही देर में पहुंच रहे होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कब होगी शुरुआत कार्यक्रम की? देखिए, उन्हें 11 बजे ठीक पहुंचना था प्रयागराज। यहाँ से जो लूकरगंज में फ्लैट बनाए गए हैं 76, वहाँ पे जाना था, लेकिन मौसम की वजह से अभी फिलहाल उनका कार्यक्रम थोड़ा विलंबित है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द वो आएंगे। फिलहाल अभी भी मौसम बहुत साफ नहीं है, हालात बारिश की वजह से थोड़े बदल चुके हैं। अगर उनके प्रोटोकॉल या उनके कार्यक्रम की बात करें तो 11 बजे उन्हें लूकरगंज पहुंचना था, जहां पर जो फ्लैट बनाए गए हैं 76। दरअसल ये जो भूमि है वो माफिया अतीक अहमद से खाली करवाई गई थी। उसके बाद पिछले साल दिसंबर के महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ आए थे और भूमि पूजन किया था और इस पूरी योजना का उद्घाटन किया था। उसके बाद ये फ्लैट अब बनकर तैयार हुआ है। पिछले दिनों जो PDA है उसने बाकायदा नियमों के तहत लॉटरी सिस्टम से जो लाभार्थी उनका चयन किया, जिसमें 76 लोगों को ये फ्लैट दिया जाएगा। दो ब्लॉक में बना हुआ है, ए और बी ब्लॉक में ये फ्लैट बना हुआ है, और इसको आज मुख्यमंत्री के जरिए उन लाभार्थियों को उनको ये गृह प्रवेश के साथ सौंपा जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे तो सीधे लूकरगंज में इन फ्लैटों के जो लाभार्थी उनसे मिलेंगे और उन्हें जो चाबी है वो सौंपेंगे और उनका गृह प्रवेश कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर लीडर प्रेस ग्राउंड है, वहाँ पर एक सभा की तैयारी की गई है। बाकायदा मंच बनाया गया है जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नंदगोपाल गुप्ता नंदी सहित कुछ विभागीय अधिकारी, उसके अलावा लोग जो है वो वहाँ मौजूद रहेंगे, लाभार्थी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा कुंभ से जुड़ी कुछ योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। तो बस अब से थोड़ी देर बाद प्रयागराज को बड़ी न सिर्फ सौगात मिलने वाली है बल्कि उन लाभार्थियों के सपने पूरे होने वाले हैं जो अपने आवास के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और सरकार की इस योजना का उन्हें फायदा मिला है। सरकार ने जहां माफियाओं पर शिकंजा कसा है, वैसे उन जमीनों पर ऐसे जरूरतमंदों को स्थापित करना या उन्हें देने का आवंटन करने का जो निर्णय लिया है वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए फायदेमंद होगा, और यही वजह है कि अब उम्मीद और जागी है, क्योंकि पूरे यूपी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से इस तरह का अभियान चलाया था और उससे बड़ी संख्या में न सिर्फ संपत्ति चल अचल संपत्ति इकट्ठा की गई है, वो अगर
समाज की अलग अलग जो धाराओं से जुड़े लोग हैं उनको अगर फायदा पहुंचता है तो निश्चित तौर पर समाज को भी इसका फायदा मिलेगा। और उसी कड़ी में प्रयागराज जी बिल्कुल, हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी लेट जरूर हो रहा है, लेकिन अब से कुछ ही देर में तमाम लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और प्रयागराज पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लूकरगंज जाके वो तमाम लोगों को सौगात देने वाले हैं। गृह प्रवेश उनके द्वारा कराए जाएंगे, 20 ऐसे लोग हैं जिनसे संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ा दिन ये माना जा रहा है क्योंकि जो जमीन जो है 1700 वर्ग मीटर की जमीन जो है वो माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई थी 2020 में, और ऐसे में आधारशिला भी उनकी रखी गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और आज वो पल आ गया जब यहाँ पे 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं जिसकी सौगात मुख्यमंत्री खुद तमाम लोगों को देने जा रहे हैं। और लोकसभा तैयारियों की में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे बैठक। सपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जातीय जनगणना सामाजिक रथ यात्रा को लेकर बैठक हो रही है। समाजवादी पार्टी यूसीसी को भी मुद्दा बना सकती है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करने जा रही है। बता दें कि बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी। इससे पहले भी कई जिलेवार बैठक हो चुकी है और एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। जातीय जनगणना सामाजिक रथ यात्रा को लेकर यह बैठक होने जा रही है और यूसीसी का मुद्दा भी इस दौरान उठाया जा सकता है। ऐसे मुद्दे इस बैठक में उठाए जा सकते हैं जो कि सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। बताते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से यूपी में 80 सीटें हैं और उसी तरीके से देखिए 80 सीटों पर कब्जा करने के लिए अब समाजवादी पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और जातीय जनगणना सामाजिक रथ यात्रा को लेकर भी ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में यूसीसी का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जा सकता है। तो बैठकों का जोर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जारी है और इससे पहले भी कई ऐसे जिले जहां पे प्रशिक्षण शिविर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था एक्टिव होते हुए नजर आ रही है। जमीनी स्तर पे उतरते हुए समाजवादी पार्टी नजर आ रही है और पिछले दिनों जो गलतियां हुई थी उसको ना दोहराए ये समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है। राजस्थान बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र रोजगार के मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर बुधवार शाम को जयपुर के बनी पार्क स्थित डी सर्कल पार्क के पास चार विद्यार्थी मित्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। इनमें 2 महीने शामिल है। 120 घंटे होने के बाद भी सरकार के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचने के बाद विद्यार्थी मित्रों का धैर्य टूट रहा है। प्रदेशाध्यक्ष इंदु बाला राठौड़ ने बताया कि अब प्रदेश के जननायक किस चीज की परीक्षा ले रहे हैं। 20 घंटे से अधिक समय होने के बाद भी सरकार ने वार्ता के लिए नहीं भेजा है। अब विद्यार्थी मित्रों का मनोबल टूट रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष रामनिवास शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वंचित विद्यार्थी मित्रों की पीड़ा समय रहते नहीं सुनी, फिर दुखी होकर विद्यार्थी मित्र पानी के टंके से कूदकर जान देने की चेतावनी दे रहे हैं। पांच जुलाई को भाजपा महिला मोर्चा गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ी रैली करेगा। थाली नाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार में कुशासन, जंगलराज और महिलाओं के प्रति बढ़ता अत्याचार और असुरक्षा का माहौल है। सांसद दिया कुमारी ने आगे कहा है कि आगामी 5 जुलाई को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा गहलोत सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय जयपुर में राज्य सरकार के विरुद्ध होने वाली थाली नाद कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सांसद ने महिला मोर्चे की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एक बस और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिससे बस में आग लग गई। हादसे के दौरान दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। श्री गंगानगर एसपी परिस देशमुख ने बताया है कि घटना अनूपगढ़ के गांव 6P के पास हर प्रभ आसुरा आश्रम के सामने की है, जहां एक लोक परिवहन बस और बाइक में टक्कर हो गई। इस दौरान बाइक और बस के टायर की आपस में रगड़ लग गई, जिससे बाइक के पेट्रोल की टंकी ने आग पकड़ ली। इसी बीच ने आग में बस को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और हिंद पाक बॉर्डर के थाना खालरा के अंतर्गत आती बीपीओ कर्म पोस्ट से दो पैकेट हीरोइन बरामद की गई है। बता दें कि पंजाब पुलिस और बीएसएफ 71BN के तलाशी अभियान के दौरान गोपाल सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी खालरा और पाल सिंह पुत्र हरनान सिंह खालरा थाना खालरा के खेत से दो पैकेट हीरोइन मिली, जिसका वजन 5.122 किलोग्राम है। पुलिस और बीएसएफ के साझे सर्च ऑपरेशन से प्राप्त हुई है। पुलिस इसकी जाँच कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि बीओपी कार्म पोस्ट से दो पैकेट हीरोइन बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त साझेदारी से जो है ये काम आगे चल रहा है। बारा शहर के दीनदयाल पार्क पर गुरुवार को एक तेज रफ्तार से आती रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो महिलाओं सहित तीन लोगों को उछलकर नीचे गिर गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए राहगीरों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों का इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। खबर करौली से है, जहां किसानों ने ईआरसीपी लेकर रैली निकाली है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जवान सिंह महोबा के नेतृत्व में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से किसान नेता मिले। तो किसानों ने ईआरसीपी को लेकर रैली की है और ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, और इस दौरान तमाम बड़े मंत्री जो है इनसे मिले हैं और किसानों ने ईआरसीपी रैली निकाली है। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जब किसानों द्वारा ईआरसीपी निकाली गई है। यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और ज्ञापन सौंपा गया है। रायबरेली प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला का एक दिवसीय जिला दौरा, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगी। विकास कार्यों को लेकर भी करेंगे समीक्षा बैठक। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में होगी बैठक। बैठक के बाद मंत्री प्रतिभा शुक्ला करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगी बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगी और इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि विकास कार्यों को लेकर भी करेंगी समीक्षा बैठक। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेगी। प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला का एक दिवसीय जिला दौरा है और इस दौरान कई अहम बैठकें वो करने जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भी उनके द्वारा बैठक की जाएगी। रायबरेली में एक दिवसीय दौरा है और कानून व्यवस्था को लेकर वो बैठक करेंगे। विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगी प्रतिभा शुक्ला। इसी के साथ बता दें कि रायबरेली में अहम दौरा उनका माना जा रहा है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में भी होगी ये बैठक और बैठक के बाद मंत्री प्रतिभा शुक्ला करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे प्रतिभा शुक्ला।
तो मंत्री प्रतिभा शुक्ला एक दिवसीय रायबरेली के दौरे पर है। प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला का एक दिवसीय जिला दौरा है और ऐसे में तमाम बैठक उनकी तरफ से की जानी है। कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक करेंगी, तो कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करने जा रही है प्रतिभा शुक्ला। विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगी और तमाम कार्य किस तरीके से चल रहे हैं उसका जायजा भी उनकी तरफ से लिया जाएगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, उससे पहले कलेक्टर परिसर स्थित बचत भवन में बैठक होगी। यूसीसी को लेकर देश भर में सियासी बवाल मच गया है। इस बीच यूपी में विपक्ष दल इससे दूरी बनाते हुए देखा जा रहा है। जहां एक तरफ 24 से पहले राम मंदिर का मुद्दा गूंज रहा है, तो वहीं तरफ दूसरी तरफ यूसीसी लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सूबे के सबसे बड़े विपक्षी दल सपा के पास क्या यूसीसी का तोड़ है, ये रिपोर्ट देखिए। पहले राम मंदिर और अब यूसीसी का ऐलान। सवाल ये कि क्या यूपी की सियासत पर अब इन दो बड़े मुद्दों का असर पड़ने वाला है। भव्य राम मंदिर तेजी से बनकर तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुखिया सीएम योगी मंचों से यूसीसी का जिक्र खुले तौर पर कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आम चुनाव को अब 10 महीने बाकी है, मगर इस महीने की दो घटनाओं ने अगले कुछ दिनों के लिए इस पर होने वाली सियासत की पिच तैयार कर दी है, जिसका असर यूपी की सियासत पर दिखना तय है। जहां एक तरफ अखिलेश विपक्षी एकता के गीत मोल लेने का खतरा, यानी अखिलेश के लिए MY मतलब ज्यादा मुस्लिम फैक्टर पर असर ये फैसला डालेगा। जाहिर है अब अगले कुछ दिनों तक इन्हीं दो मुद्दों पर ताबड़तोड़ सियासी बल्लेबाजी होगी और जबरदस्त माइंड गेम चलेगा। भले ही पीएम मोदी ने साफ शब्दों में यूसीसी की वकालत की हो, लेकिन ये कब और कैसे लागू होगा इस पर चर्चाएं चल रही हैं। कहने वाले कहते हैं कि पूरे देश की सियासत के साथ साथ सबसे ज्यादा असर इस मुद्दे का यूपी की सियासत पर पड़ना तय है। बात सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की ही नहीं बल्कि बसपा प्रमुख मायावती की भी है कि क्या वो यूसीसी के मसले पर बीजेपी के साथ खड़ी होंगी या फिर नहीं। जहां एक तरफ पटना में विपक्षी एकता के वक्त भावनात्मक मुद्दों को इग्नोर करके अपने ठोस मुद्दों पर ही टिके रहने की रणनीति विपक्ष ने बनाई थी, मगर आम आदमी पार्टी ने यूसीसी को सपोर्ट करने की घोषणा करके सारे के सारे अरमानों पर विपक्ष के लिए पानी फेर दिया। मगर यूसीसी के मुद्दे के आगे अब कौन कौन सा मुद्दा टिक पाता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर यूसीसी का, सियासत की पिच पर पूरे देश में इस वक्त यूपी के मुखिया सीएम योगी से अच्छा बल्लेबाज कोई और दिखता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। झारखंड सरकार ने प्रिंट मीडिया में छपी खबरों पर नजर रखने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया है। सरकार से जुड़ी कितनी खबरें छपी है, कितनी खबरें सरकार के खिलाफ है, इन सब की मॉनिटरिंग पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। अधिकारियों को खबरों की मॉनिटरिंग और उन्हें पोर्टल के डैशबोर्ड पर अंकित करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया है, ये रिपोर्ट। सरकार प्रिंट मीडिया पर छपने वाली खबरों पर निगरानी रखने के लिए पोर्टल के जरिए कोई सियासी संदेश दे रही है या फिर
विपक्ष बेवजह सरकार के इस कदम को तुगलकी फरमान साबित करने में जुटा है। जी, झारखंड सरकार ने प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल बनाने का फैसला लिया है, जो प्रिंट मीडिया में क्या खबर छपेंगी इसकी निगरानी करेगा। बाकायदा खबर यह है कि इस पोर्टल को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। झारखंड सरकार ने प्रिंट मीडिया में छपने वाली खबरों पर नजर रखने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल बनाने का फैसला लिया, तो विपक्ष में बैठी बीजेपी को सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। बीजेपी हेमंत की सरकार पर तोहमत मढ़ रही है कि हेमंत सरकार के खिलाफ कौन कितनी खबरें छाप रहा, और इन सभी पर पोर्टल के जरिए नजर रखी जाएगी। खबरों पर नजर रखने और उन्हें पोर्टल के डैशबोर्ड पर अंकित करने के लिए अधिकारियों को तैयार भी किया जा रहा है। देखिए नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के दिग्गज बाबूलाल मरांडी ने क्या ट्वीट किया। मरांडी ने लिखा कि अखबारों में क्या छप रहा, झारखंड सरकार इसकी भी मॉनिटरिंग करेगी। इस संबंध में बाकायदा आदेश निकाला गया है। इतिहास में शायद ये पहली बार ही हो रहा होगा जनता के प्रवक्ता को नजरबंद करने की खतरनाक कोशिश। चौथे स्तंभ को सरकारी निगरानी में रखना लोकतंत्र को बंधक बनाना है। इस निर्णय में पुरजोर विरोध करता हूँ। अकबर इलाहाबादी ने ऐसी सरकारों के लिए लिखा था, खींचो ना कमान को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने सरकार का विरोध किया है। बीजेपी नेता प्रतुल शाह ने भी ट्वीट करके सरकार पर कटाक्ष किया और लिखा कि ये होता है अघोषित आपातकाल, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपसे आग्रह है कि तुरंत इस मॉनिटरिंग पोर्टल को बंद करें, ये मीडिया की स्वतंत्रता की सीधा आघात है। अगर मीडिया सरकार को शीशा नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा, अनुचित दबाव मीडिया पर ना डालें। तो क्या हेमंत सरकार की मंशा कलम को पूछने की है या फिर फेक न्यूज पर बंदिश लगाने की। नीति और नियत को लेकर झारखंड में सियासत भरपूर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, छत्तीसगढ़। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।